भारत जोड़ो यात्रा का 50वां दिन आज सुबह 5:25 पर ध्वजारोहण के साथ हुई शुरुआत। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्तल से शुरू हुई यात्रा। 3 दिन के ब्रेक के बाद फिर शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा। 50वें दिन यात्रा की शानदार हुई शुरुआत। ढोल बजाते नजर आए राहुल गांधी। राहुल गांधी ने मां सोनिया गांधी के लिए लिखा भावुक संदेश। ट्वीट कर बोले राहुल, मुझे गर्व है कि मैं आपका बेटा हूं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज राज्य के दौरे पर पहुंचे पीएल पुनिया, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। राम रहीम को पैरोल दिए जाने पर गुस्साई दिल्ली महिला आयोग प्रमुख स्वाति मालीवाल। बोली, सरकार के डिप्टी स्पीकर और मेयर ले रहे राम रहीम के कार्यक्रमों में भाग, घिरी हरियाणा सरकार। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अरविंद केजरीवाल पर लगाया गंभीर आरोप। आप संयोजक को बताया भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। आप और उपराज्यपाल के बीच जारी घमासान। विनय सक्सेना के छठ पूजा से संबंधित बयान पर आपने जताया विरोध। कहा, सस्ते प्रचार के भूखे हैं एलजी। महबूबा मुफ्ती को सरकार का नोटिस। पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख को 15 नवंबर तक सीएम आवास खाली करने का दिया आदेश। गृहमंत्री अमित शाह ने फरीदाबाद में भरी हुंकार। सेक्टर 12 में जन उत्थान रैली को किया संबोधित। पदाधिकारियों संग बैठक भी करेंगे शाह। देश में कोरोना की धीमी हुई रफ्तार। एक्टिव केसों में दर्ज हुई गिरावट। एक्टिव केस की संख्या 21,607 से घटकर हुई 20,821। रूस ने अमेरिका को दी नई धमकी। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में शामिल हुए तो अंतरिक्ष में भी होगा हमला। रूस ने यूक्रेन पर तेज किए हमले। अब तक 400 ईरानी ड्रोन का किया इस्तेमाल। हमलों में कई नागरिकों की गई जान। ईरान की शिया मस्जिद में गोलीबारी। 15 लोगों की गई जान। 40 से ज्यादा लोग हुए घायल। आईएसआईएस आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी। ईरान हिजाब विवाद को लेकर सख्त हुआ अमेरिका। प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी से नाराज अमेरिका ने ईरानी अधिकारियों पर लगाए नए प्रतिबंध। पूर्व पीएम ने शाहबाज सरकार पर किया हमला। इमरान खान ने पत्रकार अरशद शरीफ की मौत को बताया टारगेट किलिंग। बादशाह मसाले में 51% हिस्सेदारी खरीदेगा डावर। 587,52,00,000 रुपए में साइन की डील। बची हुई 49% को 5 साल में खरीदने का प्लान। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा को नुकसान। राजस्व में 4% की गिरावट दर्ज। बीसीसीआई का महिला क्रिकेटरों को लेकर बड़ा फैसला। महिला और पुरुष क्रिकेटर्स को मिलेगी समान मैच फीस। सचिव जय शाह ने ट्वीट कर दी जानकारी। शोक में डूबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। नहीं रहे डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ। 62 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा का जन्मदिन आज। अपना 46वां जन्मदिन मना रही है अभिनेत्री। फिल्म विरासत से बॉलीवुड में किया था डेब्यू।